नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहां हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम किस लिए करते हैं। जो पतंजलि योग सूत्र में प्राणायाम दिया गया है वो तो आप लोगों ने ट्राई नहीं किया, लेकिन एक ऐसे ही इनफॉर्मल प्राणायाम हम सब लोग करते हैं, सब, ज़्यादातर लोग, एक्सेप्ट वो जो ड्रंकर्ड हैं, एडिक्ट्स हैं, या जो हॉस्टलर्स हैं। क्योंकि जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं, अगर क्लास नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो पड़े रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी, मैं एक बार एक बच्चे के पास गया था हॉस्टल में, मैं तो कभी हॉस्टल में रुका ही नहीं, बट मेरी भी हालत हो गई थी ऐसी जब मैं अकेला रहा करता था, कभी भी उठो, कभी भी सो, कुछ भी करो। और वो अच्छा बच्चा था, वो बेचारा डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि उसकी लाइफ में से रेगुलैरिटी ख़त्म हो गई। हम सब लोग जब फैमिली में रहते हैं, पता नहीं क्यों, कौन इस चीज़ का वजह है कोई जानता नहीं है, क्योंकि घर में माँ हैं, पिता हैं, भाई बहन हैं। अगर भाई बहन अकेले हो या बहन अकेली हो, भाई अकेला हो, तो रेगुलरिटी ख़राब हो जाएगी। हस्बैंड वाइफ हो तो इस तरह की रेगुलरिटी रहेगी, हस्बैंड चला जाए कहीं, वाइफ अकेली हो तो भी रेगुलरिटी ख़राब हो जाएगी। अगर हस्बैंड अकेला हो घर पे, वाइफ चली गई हो, तब तो बहुत ज़्यादा रेगुलरिटी ख़राब हो जाती है। इसीलिए आदमियों को कहा जाता है सोशल यूनिट में रहना चाहिए। तो ये जो प्राणायाम का पर्पज़ क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको जो अभी रोज़मर्रा की लाइफ में इनफॉर्मल प्राणायाम कर रहे हैं उसको एक्नॉलेज करिए। हम रोज़ टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, अगर आप टाइम से उठते सोते हैं तो। अगर किसी घर में वेजिटेरियन खाना बनता है तो एक तरह का प्राणायाम ही है, क्योंकि आपने इम्पल्स लेने का एक तरीका फिक्स कर दिया कि हम ये चीज़ें खाएंगे, ये चीज़ें नहीं खाएंगे। प्राणायाम मतलब आप अपने बॉडी में आने वाला, अपने माइंड में आने वाले प्राण को रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन आज रमण महर्षि की मदद से हम लोग समझेंगे द पर्पज़ ऑफ प्राणायाम। मैंने इसके पहले एक वीडियो पब्लिक किया है, उसमें बताया था प्राणायाम के तीन पार्ट्स होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। जो अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं पूरक, जब सांस रुकी रहती है उसको बोलते हैं कुंभक, और जब सांस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं रेचक। और ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है इसमें कि आपको ऐसे करना है, कुछ और करना है, सिंपल सा प्राणायाम है। इसमें आप बैठते हैं और आप सांस अंदर लेते हैं, पूरक रोकते हैं, कुंभक छोड़ते हैं, रेचक। और इस प्रोसेस में आपको एक फ़ायदा मिलता है, जिस समय आप अपनी सांस के ऊपर ध्यान देते हैं, आप चाहें तो फिर से करके देख लें क्या होता है उस समय। अगर आप 2 सेकंड के लिए सांस रोक लीजिए और मुझे बताइए कौन सा थॉट आया आपको। जब तक सांस रोकेंगे तब तक थॉट आएगा ही नहीं, जब आप सांस छोड़ेंगे तब थॉट आएगा, अपनी मर्ज़ी से भी नहीं आएगा। थॉट को चलने के लिए सांस का चलना अनिवार्य है, जैसे एसी को चलने के लिए बिजली चाहिए, आप बिना बिजली के कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं चला सकते, आप विचार बिना सांस के नहीं चला सकते। इसलिए जो योगीज होते हैं उनकी सांस बहुत गहरी होती है, उनके साथ जो थॉट्स चलते हैं उनके मन में उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, वो एक विचार बहुत सेकंड तक चलता है। और ऐसे आदमी जब कोई चीज़ सोचते हैं करने के लिए तो भूलते ही नहीं। हमारे थॉट्स की फ्रीक्वेंसी हमारे सांस की फ्रीक्वेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी मतलब एक मिनट में ढेर सारे थॉट्स आते हैं। तो थॉट्स बजाय हमको समझ देने के, कल हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे पतंजलि योग सूत्र में, कि हमको समझ नहीं मिलता, कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन से हम समझ सकते हैं अपनी वासनाओं को, अपने आप को। तो प्राणायाम का पर्पज़ क्या है ये आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आप इसको ट्राई करें, 5-10 मिनट ही सही, बट इसको ट्राई करें। प्राणायाम का सिंपल पर्पज़ है आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें। इसको ऐसे समझें, आपका पैर फ्रैक्चर हो गया है तो आप प्लास्टर लगाते हैं, तो प्लास्टर उस आदमी के लिए है जो अपने पैरों से चल नहीं पा रहा है, या बैसाखी या व्हीलचेयर उस आदमी के लिए है जो अपने पैरों से चल नहीं पा रहा है। तो जो आदमी अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है उसके लिए है प्राणायाम। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों से पूछा था किसको किसको लगता है कि वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता,
सबने बड़े ही शिष्य भाव से बड़े मार्मिक तरीके से मुझसे कहा कि नहीं नहीं हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मैंने शीश को पूछा, आपसे पूछा, गरिमा से पूछा, तो शीश ने बताया नींद आती रहती है, आपने बताया बार बार कंप्यूटर पर हाथ जाता है, गरिमा ने बताया कभी कभी मुझे दुख होता है, टेंशन होता है। लेकिन उसके बाद भी ये बात याद नहीं रही कि हमको प्राणायाम ट्राई करना चाहिए। जब तक आपको कमी नहीं दिखाई देगी माइंड कंट्रोल की, तब तक आप प्राणायाम ट्राई ही नहीं करेंगे। हम सबको एक इल्यूजन है कि हम अपने लाइफ के कंट्रोल में हैं, अपने माइंड के कंट्रोल में हैं। जैसे जानवर को कोई मोटरसाइकिल की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका हाथ पैर बड़ा मजबूत है, बंदर पेड़ पर चढ़ जाएगा, आप मोटरसाइकिल से क्या कर लेंगे। हम भी उसी बंदर की तरह अपने माइंड को सोचते हैं कि बहुत ताकतवर है। कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं इस चीज़ के लिए कि कैसे मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूं। अच्छा, माइंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्यों? बेकाबू हो जाएगा माइंड, बेकाबू हो जाएगा। हम सब सर्दियों में तो स्वेटर पहनते हैं क्योंकि हर एक सेकेंड ठंड लगती है। जैसे 24 घंटे कपड़ा पहनते हैं, 24 घंटे हम गर्मियों में धूप से बचते हैं, 24 घंटे हमारा हार्ट बीट करता है, ऐसे ही 24 घंटे हमारा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है, हो नहीं जाएगा। अगर आपको ये इल्यूजन लगता है कि जब मैं सेक्सुअली अट्रैक्ट होऊंगा तो मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है, तो आप ये कह रहे हैं एक छोटा बच्चा जो बिस्तर पे है वो बड़ा ताकतवर है, वो अपना देखभाल कर सकता है। आपका माइंड फिलहाल, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्शन वन, वो किस चीज़ से बना है? आई से, इंटेलिजेंस बुद्धि से, इमोशन सेक्सुअलिटी से, और ये तीनों गुथे हुए हैं। दिखने में हम सबको लगता होगा कि हम लोग एक सेन इंसान हैं, लेकिन हम सब के सब क्या हैं? इंटेलिजेंस जो बेचारा थोड़ा सा है, जिसको पूरी तरह से डोमिनेट कर रखा है इमोशन ने और सेक्स ने। ये एक अनकंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंट है, एक जंगली जानवर है, ये 24 घंटे है। इसीलिए प्राणायाम कब करना चाहिए? 24 घंटे करना चाहिए। जब भी याद आए, पूरक कुंभक रेचक, जब भी याद आए, क्योंकि प्राणायाम का पर्पस क्या है? माइंड कंट्रोल। रमण कहते हैं प्राणायाम एकदम वैसे मत करो जैसे हठ योगा में कराया जाता है, खूब खूब घंटों घंटों वो लोग अलग अलग प्राणायाम करते हैं। बल्कि जो हमारे रामदेव जी प्राणायाम कराते हैं तो सेहत के लिए कराते हैं, बीमारी से बचने के लिए। उसमें से कुछ प्राणायाम ऐसे हैं, अगर आप उसको हद से ज़्यादा करें तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये बाद में पता चला, इसके ऊपर कोई कंट्रोल टेस्टिंग नहीं हुई है, रिसर्च नहीं हुआ। तो रमण कहते हैं अगर आप दो चीज़ों में रेगुलर बेसिस पर जा रहे हैं तो फिर आप प्राणायाम को एक्सट्रीम हद में मत करिए। ऐसे मत करिए जैसे बॉडी बिल्डर जा कर के मसल्स बना रहा है, आप आराम से कर सकते हैं। दो चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, सबसे पहला डिवोशन, भक्ति। अच्छा, भक्ति का प्राणायाम से या माइंड कंट्रोल से क्या रिलेशनशिप है? डिवोशन का भक्ति से मतलब है कि कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, अपने माइंड को एक पॉइंट पर लगा सकते हैं। एक भक्त अपने आप को मानता है कि मैं भगवान के लिए हूँ। मीराबाई ने अपने पति को छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया कृष्ण के लिए। तो माइंड कंट्रोल के आपके पास तीन औजार हैं, एक भक्ति, कोई ऐसा गुरु या कोई ऐसा भगवान जिसके प्रति आपको लगता है कि मैं अपने आप को डेडिकेट करना चाहता हूँ। गुरु बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस गुरु के प्रति आप डेडिकेट करें। रमण ने तो पहाड़ के प्रति डेडिकेट कर दिया था और वो पहाड़ ही उनके लिए भगवान बन गए थे। मेन इंपॉर्टेंस ये है कि आपका माइंड अब झुकना चाहता है, डेडिकेट करना चाहता है, वो सीखना चाहता है। माइंड को पहले डेडिकेशन चाहिए, उसके बाद वो क्या चीज़ सीखने लायक है वो सीख पाएगा। तो तीन चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, एक डिवोशन भक्ति, दूसरा मेडिटेशन। ये कैसे होता है? प्राणायाम और मेडिटेशन में थोड़ा फ़र्क है। इनफैक्ट मेडिटेशन जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि इसको कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी ट्राई करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम मेडिटेशन के बारे में पढ़ना चाहिए, ध्यान के बारे में पढ़ना चाहिए। और तीसरी चीज़ है प्राणायाम, अपनी सांस के ऊपर ध्यान देना। तो रमण कह रहे हैं अगर आप डिवोशन और मेडिटेशन कर रहे हैं तो प्राणायाम को आप आराम से कर सकते हैं और उससे आपका माइंड कंट्रोल हो जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं कि माइंड एक राइडर की तरह है, जो घोड़ा चलाता है, ड्राइवर की तरह,
और सांस एक घोड़े की तरह है, एक गाड़ी की तरह है। थोड़ा सा इमेजिन करके मुझे बताइए कैसा लगेगा जब आप आँख बंद करेंगे या आँख खोल करके, माइंड आपका राइडर है और सांस एक घोड़ा है, तो कैसे प्राणायाम होगा? ये कंट्रोल हो रहा है, थॉट्स कंट्रोल आराम से हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि बड़ा कंट्रोल करना पड़ रहा है कि थॉट्स कहाँ जा रहे हैं पकड़ के लाओ। वो जो माइंड है उसको बैठा दिया आपने घोड़े पर कि भाई देख तुझे अब ये घोड़ा चलाना है। अब तक ये घोड़ा अपनी मर्जी से चलता था, सांस अपनी मर्जी से चलती थी और उधर बेचारा हमारा माइंड भी अपनी मर्जी से चलता था। अब आपने घोड़े पर बिठा दिया इसको, दो मिनट के लिए, चार मिनट के लिए। आप पूछते थे ना ध्यान कैसे करें, अपने मन के राइडर को, ड्राइवर को बिठा दीजिए गाड़ी पे। उस तरह से देखा जाए तो प्राणायाम क्या है, घोड़े के ऊपर चेक लगाना, लगाम लगाना, मारना नहीं, उसके साथ रहना, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ रुक रहा है। और बड़ा अजीब है, जब माइंड सांस को चेक कर रहा है तो उस सांस से माइंड भी चेक हो रहा है, दोनों कंट्रोल हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, दो मिनट, चार मिनट, पाँच मिनट। और इसी को गौतम बुद्ध पूरक, कुंभक, रेचक की तरह नहीं करते थे, वो आराम से जब सांस चलती थी सांस को देखते रहते थे, देखते रहते थे, देखते रहते थे। इसलिए रमण कह रहे हैं आप सांस को डिवाइड मत करिए ऐसे अलग अलग, आराम से देखते रहिए तब भी हो जाएगा। माइंड इज एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम अदर एक्टिविटीज एंड एंगेज्ड इन वॉचिंग द ब्रेथ। एब्स्ट्रैक्टेड मतलब इसको ऐसे, इसको ऐसे समझिए जैसे एक रस्सी है, एक रस्सी से आपने किसी चीज़ को बांध रखा है, अब उस रस्सी की गांठ खोला आपने, वहाँ से हटाया और यहाँ बांधा। तो जो माइंड है वो अदर एक्टिविटीज़ में, वीडियोज़ देखने में, लड़कियों के बारे में सोचने में, या किसी चीज़ के बारे में चिंता करने में, परेशान होने में, एग्ज़ाम है पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई की चिंता कर रहा है, कोई सब्जेक्ट है उसको सीखने का मन कर रहा है, वो सीख नहीं रहा है, सिखा रहा है। जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आप अपने माइंड को वहाँ से हटाते हैं और यहाँ रखते हैं। मतलब वहाँ से हटना, हाँ, ढीला करना, अलग करना। और इस तरह से दोनों चीज़ें कंट्रोल होती हैं, आपकी सांस भी और आपका माइंड भी। इसलिए मैं आप भी कहते हैं कि कोई अगर बहुत परेशान है तो पहले उसको कमरे में लिटा दो, किताब रख दो उसके पेट पे। एक और काम आसान कर दिया रमण महर्षि ने। रेचक क्या है? रेचक छोड़ना और पूरक, पूरक लेना। अगर ये दोनों नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जिस समय आपकी सांस अंदर जा रही है उस समय भी ध्यान नहीं दे पाए, छोड़ते समय भी ध्यान नहीं दे पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुंभक के दौरान ध्यान दे दो। चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रुक जाइए दो सेकंड, ध्यान दीजिए। ये जो बीच का पार्ट है, रुका हुआ सांस, ये एटर्निटी से कनेक्टेड है, ये फॉर्मलेस से कनेक्टेड है, ये स्पेस से कनेक्टेड है। नेचर में पांच एलिमेंट हैं, कौन कौन से? फायर, वाटर, अर्थ, स्पेस। चार फॉर्म्स हैं, लेकिन वो जो बीच का रुकना है वो हम लोग चाहे आधे सेकंड के लिए रुकें, उसी में ये फॉर्म की चीज़ जो दिखती है, इसको हम जिंदा मानते हैं, वो फॉर्मलेस हो जाती है। हम लोग जब सांस अंदर लेते हैं तो मूवमेंट है, छोड़ रहे हैं तो मूवमेंट है, और बीच में नो मूवमेंट, देखने में लगेगा ये डेथ है। लेकिन ये ज़्यादा एटर्नल स्टेट है, ये अनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप। आप आग को बुझा सकते हैं, पानी को सुखा सकते हैं, मिट्टी को खोद सकते हैं, स्पेस का तो फॉर्म भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। और स्पेस सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, आग के लिए, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है। पानी कहाँ होगा? कहीं ना कहीं कोई जगह चाहिए, वहाँ पर होगा। लेकिन स्पेस उसको कुछ नहीं चाहिए, वो आराम से ऐसे ही है। इसलिए कह रहे हैं पूरक और रेचक नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दो किस चीज़ पे? कुंभक पे। मुझे लगता नहीं है कि आप में से कोई भी इंसान इस प्राणायाम का फ़ायदा उठा पाएगा, क्योंकि मैं जब देखता हूँ आप लोगों को, जब उनसे दूर होते हैं आप लोग, जब अकेले होते हैं, तो आप लोग मौज मस्ती करते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके बाद आपको
मेरी तरफ फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि आखिर मेरा मन ये क्यों सोच रहा है। हमारा माइंड अभी भी डिस्ट्रैक्टेड रहता है और उसको डिस्ट्रैक्शन नॉर्मल लगता है, और उससे भी ज़्यादा उसको डिस्ट्रैक्शन में मज़ा आता है। और हमारा माइंड हर एक डिस्ट्रैक्शन के लिए एक जस्टिफाइड रीज़न को एक्सेप्ट कर लेता है। वो हंसता नहीं अपने ऊपर, कम से कम उसको क्वेश्चन तो उठे कि आखिर क्यों मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ। रात को 3 बजे अगर आप उठते हैं, आपको भूख लगती है, तो वो नॉर्मल चीज़ है, उसमें आपको खाना वाना नहीं खाना चाहिए। ये एक तरह का सुप्रीम डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो रमण महर्षि जिससे बात कर रहे हैं ना, वो शिष्य लोग हैं, स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स हैं, जिनको ये सवाल उठता है। जैसे आप म्यूजिशंस होते हैं, ऐसे ही उनके लिए माइंड एक इंस्ट्रूमेंट है, और वो कंट्रोल उसको ऐसे कंट्रोल करना चाहता है जैसे एक ड्राइवर गाड़ी को। अभी हमारा माइंड कहीं भी कुछ भी करता रहता है, कुछ भी सोचता रहता है, कुछ भी कराता रहता है, और हम उसी के साथ उंगली पकड़ के घूमते रहते हैं। जैसे छोटा बच्चा किसी स्ट्रेंजर के साथ पार्क में घूमता रहता है, दे दिया चॉकलेट, घूम रहा है, और हम घूमते ही जा रहे हैं। ये एक ऐसी विधि है प्राणायाम जो आपको सोचना सिखा सकती है, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये तो कन्विंस्ड होना पड़ेगा कि मुझे सोचना नहीं आता। अब एक बाय डिफ़ॉल्ट जैसे एक छोटे बच्चे को गिरते पड़ते चलना आता है, ऐसे ही हमको भी गिरते पड़ते विचार आ ही जाते हैं, और विचारों को ही हम मान लेते हैं कि ये यही बुद्धि है, यही समझदारी है, और उसके ऊपर हम काम ही नहीं करना चाहते। जैसे मान लो ये आज पढ़ाई कर रहे थे, तो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे थे, उस दिन हमने वीडियो बनाया एक जिसमें कि आप चैट GPT को इस्तेमाल करके एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और एक पैराग्राफ में अटक गए, तो उसके पीछे पढ़ो, क्योंकि अगर वो पैराग्राफ समझ में नहीं आया, जैसे इसी में एक पैराग्राफ में आज पढ़ रहा था और वो फंस गया मैं उसमें, एक लाइन में फंस गया मैं। इट इज़ नॉट इग्नोरेंस देन इट कैन बी सेड दैट इट इज़ नॉट लाइट। एक सेंटेंस, दो सेंटेंस का मतलब ही समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो मैंने इसको पूरा पेज को स्कैन किया, उसको ChatGPT भी डालूंगा, अभी नहीं डाल पाया, अभी क्लास के बाद डालूंगा। और जब तक ये इसकी गहराई नहीं समझ में आती है, तब तक उसको छोड़ना नहीं। यही काम करना है अपने माइंड के साथ। जब वो एक सेकंड के लिए पूरक, कुंभक और रेचक, एक सेकंड के लिए उसको कुंभक पे रुकता है, तो वो सोचना सीख रहा है। जैसे पैर चलना सीखता है, ऐसे ही माइंड सोचना सीखता है। लेकिन उसके पहले आपको ये बताना पड़ेगा खुद को कि मुझे जो भी सोचता हूँ वो इंटेलिजेंस नहीं है, वो केवल इमोशनल थिंकिंग है, वो इमोशनलिज्म है बस। रमण कह रहे हैं जब आप ध्यान कर रहे हैं, ऐसे ही नॉर्मल ध्यान कर रहे हैं, और उसमें आपने कुछ देर के लिए अपनी सांस को रिटेन कर लिया, रोक लिया, उससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं तो बटन्स बताए जाते हैं ना, कौन कौन से बटन दबाए जाएंगे। आप कंप्यूटर चालू करते हैं, मुझे पहली बार जो फ्रेंड ने दिखाया था कंप्यूटर चालू करने के लिए, उसको लगा मुझे आता है चालू करना, मुझे नहीं आता था, उसने चालू कर दिया, एक बटन दबाना था चालू हो गया, फिर उसने कहा बंद कर दो, बंद करने का बटन कौन सा मुझे नहीं पता था, उसमें माउस को हिलाओ, एक जगह ले जाओ। अनुज को अभी भी नहीं पता होगा कैसे ऑफ़ किया जाता है कंप्यूटर, इसको भी सिखाना लैपटॉप कंप्यूटर कैसे ऑन करते हैं। माइंड का कंप्यूटर को नींद में ले जाना आता है आप सबको, जैसे सोने का एक तरीका है, ऐसे ही माइंड को मेडिटेशन में ले जाने का एक तरीका है। क्या 1 मिनट का घड़ी से या 2 मिनट का घड़ी से आप मेडिटेशन करो, और उसमें आप देखो 2-4 सेकंड के लिए ब्रेथ को रिटेन करो, और उससे भी फायदा आएगा, जो पावर चाहते हैं ब्रेन की डेवलप हो वो आएगा। है बड़ा सिंपल, हमारे सांस की रेगुलेशन उसके मूवमेंट को वॉच करने से आएगी। क्या मतलब है, जैसे 1 मिनट में 16-17 बार चलती है तो कम हो जाएगी। रेगुलेशन क्या होता है बेटा, कंट्रोल आ जाएगा। रेगुलेशन खाली कंट्रोल नहीं होती, रेगुलेट, रेगुलर, रेगुलेट, तो बार बार चलने को देखने से एक रिदम, एक धरती का पूरा अपना रिदम है, वो करोड़ों साल से रिदम टूटा नहीं है। 365 दिन लगते हैं उसको एक चक्कर पूरा सूरज के चारों तरफ घूमने में, ऐसे ही हमारा एक रिदम होना चाहिए।
जब हम कोई गलत डिसीजन लेते हैं या कोई लालच या वासना हमको पकड़ती है तो हमारा रिदम खराब हो जाता है। उस रिदम को ठीक करने के लिए सांस बहुत सिंपल तरीका है, पेट के बल सोना। जैसे जितने रेप्टाइल्स होते हैं, सांप जैसे चलता है या क्रोकोडाइल चलता है या कॉकरोच चलता है, वो आदमी के लिए नहीं है। आदमी का पेट ऊपर की तरफ होना चाहिए सोते समय। अगर हम नीचे की तरफ सोते हैं तो हमारी सांस पूरी होती नहीं है। हम में से बहुत से लोग करवट ले सकते हैं, लेकिन पेट के बल सोना बहुत खतरनाक है बॉडी के लिए, पूरी सांस नहीं आती। एक संयम, आप लोग बड़ी मम्मी के साथ रहते हैं यार, सुपर रेगुलेटेड पर्सन है वो। और आप लोग क्या सोचते होंगे, पगलैट हैं, सनकी हैं, टाइम से सोती हैं, टाइम से उठती हैं, हम लोगों को भी सुई लगाती रहती हैं टाइम से, दरवाज़ा बंद कर दें और किसी तरह से उनको साउंड प्रूफ कर दें उनका। उनको अपने अंदर में डाउनलोड कर लीजिए, मतलब उनकी पर्सनालिटी नहीं, उनके अंदर की रेगुलेशन को। अगर रमण को डाउनलोड करना चाहते हैं तो रेगुलेशन को डाउनलोड करिए, सांस को रेगुलर करिए। मैंने जब पहली बार जनोगा समझा था तो अचानक से खाना रेगुलेट हो गया, 3 स्टेप करना शुरू कर दिया। और पता है मेरे साथ सबसे अजीबोगरीब चीज़ क्या हुई, जो चीज़ें मैं प्रॉमिस करता था वो हो जाती थी। उसके पहले मैं बदनाम था बहुत ज़्यादा। मैं स्कूल में जाने के लिए अगर कह दूँ मैं 9 बजे आऊँगा तो सब लोग जानते थे 10:30 तक आ जाएगा और कोई ना कोई बहाना कर देगा। मैं किसी को कुछ भी प्रॉमिस दूँ पता नहीं क्यों लेट हो जाता था। क्यों लेट होता था? क्योंकि सांस क्या नहीं थी, रेगुलेटेड नहीं थी। हम लोग बोलते हैं खाना कितना खाओगे, बस एक रोटी, खाते खाते 3 रोटी खा ली। गाड़ी में पेट्रोल नहीं, गाड़ी लेके चलते हैं, बाद में देख लेंगे, रास्ते में पेट्रोल ख़त्म, लाओ भाई फ़ोन करके पेट्रोल पहुँचवाओ। हम छोटी छोटी चीज़ों में चूँकि डीरेगुलेटेड हैं, इसलिए हमको अपने ऊपर और हमारे आसपास के लोगों को हमारे ऊपर भरोसा नहीं होता। और उसका सीक्रेट केवल यही है, रेगुलेशन ऑफ ब्रेथ इज़ गेन्ड बाई वॉचिंग इट्स मूवमेंट। अगर आप अपनी सांस का मूवमेंट 5 मिनट 10 मिनट के लिए वॉच करते जाएं, तो जो इरेगुलर ब्रेथ है वो रेगुलर हो जाएगी और इसी से आपके थॉट्स रेगुलर हो जाएंगे, इमोशंस संयम में आ जाएंगे। और ठीक ऐसे ही रमण कहते हैं, अगर आपने अपने माइंड को वॉच किया तो थॉट्स विल सीज टू। थॉट्स क्या होंगे? ख़त्म हो जाएंगे, सीज कर जाएंगे। थॉट्स ख़त्म होंगे, बुद्धि ख़त्म नहीं होगी, समझ ख़त्म नहीं होगी, और गहरी हो जाएगी। हम जब चिंता में होते हैं तो थॉट्स बहुत होते हैं, समझ नहीं होती, ऑप्शंस 50 होते हैं, चूज़ क्या करें समझ में नहीं आता। हमको लगता है कि हम चीज़ों को सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं, बट केवल रैंडम चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। क्यों? क्योंकि माइंड इज़ नॉट वॉच्ड। हमारी हालत ऐसे जैसे कि छोटा बच्चा 500 का नोट लाए, उसका कलर प्रिंट आउट निकाल ले, उसको काट कर चलाने की कोशिश करें। हम जो सोच रहे हैं उससे तो वो काम हो जाएगा जो हम चाहते हैं, जो काम होगा उसके लिए वो थॉट चाहिए, वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी चाहिए, वो कर्म चाहिए, वो किस्मत चाहिए, फिर जाकर के वो रिजल्ट आएगा। सही बात है, सौभाग्य ना सब दिन सोता है, लेकिन उस सौभाग्य के लिए भी आपको काम करना पड़ता है। दुर्भाग्य भी कभी नहीं सोता है, वो भी जगता रहता है। इनफैक्ट दुर्भाग्य ज़्यादा जगता है, सौभाग्य कम जगता है। दुर्भाग्य इज द रिजल्ट ऑफ अनवॉच्ड माइंड। आपके मन में जो भी थॉट आया आपने उसको बिना देखे बोल दिया या बिना देखे उसको कर दिया, अनवॉच्ड माइंड। लोगों के मुंह से गाली निकल जाती है, बाद में बोलते हैं अरे सॉरी गलती हो गई। ऐसी चीज़ें जो हम बाद में पछताते हैं, बाद में शर्मिंदा होते हैं, अनवॉच्ड। अगर आप केवल ज़रा सा एक चौकीदार रख दें थॉट्स को देखने के लिए, थॉट्स बदल जाते हैं, सीज कर जाते हैं। जो कंफ्यूजिंग थॉट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और जो इंटेलिजेंट इंसाइट है वो एक्शन बनता है। और यही है माइंड का क्वेस्ट। जो ईश्वर को जानना चाहता है उसको बोलते हैं क्वेस्ट, खोज, ईश्वर की इंक्वायरी। तो जब आप माइंड को ऑब्जर्व करोगे, कचरा कंफ्यूजन ख़त्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस फालतू की चीज़ों को छोड़ करके वहाँ देखना शुरू करेगा जहाँ पर रियलिटी है। तो प्राणायाम का पर्पज़ क्या है? माइंड का कंट्रोल, लेकिन खाली उतना ही नहीं, माइंड का कंप्लीट कंट्रोल और उसके बाद माइंड का रीडायरेक्शन टूवर्ड्स गॉड और रियलिटी। ये है द पर्पज़ ऑफ प्राणायाम। और जो आदमी इसको नहीं एंगेज करता वो अपना सर्वनाश खुद ही कर रहा है, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर रहा हो।
सकती है।